सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा कारागार मंत्री टीकाराम जूली ने नव वर्ष की पहली सुबह की शुरुआत सामाजिक सौहार्द का प्रतीक मोती डुंगरी से की, जहां एक ही स्थान पर संकट मोचन मंदिर में पूजा अर्चना और सैयद बाबा की मजार पर अमन चैन की दुआ मांगकर देश व प्रदेश की जनता की खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालातों में आपसी भाईचारा और सौहार्द कायम करने की महती आवश्यकता है। हम सभी संयुक्त रूप से मिलकर प्रेम और सद्भाव से रहें। कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने नूतन वर्ष के पहले दिन की सुबह से ही आमजन से मिलना शुरू कर दिया। उनके निवास एवं मोती डूंगरी स्थित कार्यालय पर नववर्ष की शुभकामनाएं देने के लिए आमजन में होड़ लगी रही। मोती डूंगरी स्थित कार्यालय पर जैसे ही मंत्री टीकाराम जूली पहुंचे तो वहां पहले ही बड़ी संख्या में लोग उन्हें बधाई देने के लिए खड़े हुए थे। इसी दौरान उन्होंने जनसुनवाई करते हुए आमजन की समस्याओं को भी सुना। मंत्री जूली ने अलवर ग्रामीण विधानसभा के गांव डुमेरा में नव वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित भजन जिगड़ी कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए वहां उपस्थित ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुना। उन्होंने कहा कि भगवान के नाम पर गुणगान के ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन से सामाजिक सरोकार के साथ धर्म के प्रति आस्था भी बढ़ती है। इस अवसर पर प्रधान दौलतराम जाटव, वीरवती सरपंच छोटेलाल, फूल सिंह चौधरी, हाजी जोरमल, रूप सिंह केरवा, हरिशंकर गुप्ता, बलवीर भजीट, सहजाद खान, करण सिंह पटवारी सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे।